हाय गाइस, दिस इज़ बैंक्स कस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ होंडा ग्रेजिया और जो सुजुकी बर्गमैन आई थी उसके बीच में आपके लिए सबसे बेस्ट व्हीकल कौन सा है, टू व्हीलर व्हीकल कौन सा है। तो मैं इस वीडियो में आपको होंडा ग्रेजिया के बारे में बताऊँगा कि होंडा ग्रेजिया के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसके मोड्स हैं और कितनी उसकी एवरेज है। मेन बात है टू व्हीलर में एवरेज होना गाइस, उसकी प्राइस के बारे में बताऊँगा। सो लेट्स गो इन। इसके लिए मैं आया हूँ राहुल होंडा। So let's go in and check it out कि Honda Grazia में क्या क्या है। Stay tuned guys. So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Honda Grazia के बारे में, जो कि एक टू व्हीलर स्कूटर है। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं एक वॉक अराउंड करवाता हूँ आपको इसका, ताकि आपको इसकी पूरी की पूरी जो लुक्स हैं चारों तरफ से पता चल जाए कैसी हैं। सो ये है हमारी Honda Grazia। ये 125cc का गाइज इसका इंजन है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं इसके अंदर, 12 इंच का रिम दे रखा है। और गाइस इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, इसका की ऑन यहाँ से होता है। फुल्ली डिजिटल मीटर है। फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ हम आपके यहाँ पर एक होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये फ़ोन का होल्डर है विद चार्जर, चार्जर इसका ही है यहाँ पे। ये इसका चार्जर है गाइस, यहाँ पर फ़ोन चार्ज कर सकते हैं आप अपना। उसके बाद ये बंद हो जाता है। उसके बाद जो इसका ऑप्शन है वो सीट ओपन का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है गाइस। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो सीट ओपन हो जाएगी। 20 लीटर का इसमें स्पेस है जो इसकी सीट में अवेलेबल है। और 5.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। 125cc का स्कूटर है गाइस, ऑल ओवर चारों तरफ से आपको देखने में होप सो पसंद आएगा। तो ये है हमारा होंडा ग्रेजिया। आगे से इसके फ्रंट लाइट्स बहुत अट्रैक्टिव है, जो फ्रंट फेस है वो बहुत अट्रैक्टिव है। हेडलाइट्स यहाँ की जगह यहाँ पर दे रखा है। ये इसके फीचर्स है, इसमें फ्यूचरिस्टिक LED हेडलैम्प है, फुल डिजिटल मीटर विद इको स्पीड इंडिकेटर है गाइस। उसके बाद फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो वाला मॉडल नहीं है जिसमें डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, बट टॉप मॉडल में डिस्क ब्रेक अवेलेबल हैं। उसके बाद मोबाइल चार्जर है, सॉकेट। उसके बाद 125cc जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद 4-in-1 विद सीट ओपनिंग स्विच है। सीट ओपनिंग स्विच के बारे में भी आपको दिखा दिया। ये इसकी अंडर जो सीट की जो स्पेस है वो है। सो गाइस, ये है होंडा ग्रेजिया, जो कि बहुत अट्रैक्टिव एक टू व्हीलर स्कूटर है होंडा वालों की तरफ से। अपने नियरेस्ट होंडा की एजेंसी में जाएं और जाके इस स्कूटर को टेस्ट ड्राइव करें और फिर बाय करें। थैंक्स अ लॉट गाइस। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मैं इनके बीच में आपको कंपैरिजन ये बताता हूँ, होंडा ग्रेजिया और सुजुकी बर्गमैन के बीच में प्राइस रेंज है। इसकी प्राइस रेंज है 59,000 एक शोरूम है, जबकि सुजुकी बर्गमैन के 58,000 है, मतलब 1,000 रुपये सस्ती है उससे। इसकी एवरेज 50-55 है इन सिटी और उसकी भी सेम है 50-55 इन सिटी। सो गाइज, बर्गमैन जो टू व्हीलर स्कूटर है गाइज, वो आगे से काफ़ी ह्यूज है इसके कंपैरेटिव। ये ग्रेजिया जो है आगे से थोड़ा ब्रॉड लुक कम है इसका। इसके टॉप मॉडल के अंदर डिस्क ब्रेक्स दे रखी है, उसके सारे मॉडल्स के अंदर गाइज डिस्क ब्रेक्स दे रखी हैं। उसके अंदर 22 लीटर की कैपेसिटी है, इसके अंदर 28 लीटर की कैपेसिटी है गाइज, जो आप पीछे अपना सामान रख सकते हैं। सो गाइज, आप जाएं खुद अपने नियरेस्ट होंडा या सुजुकी के शोरूम और दोनों स्कूटर टेस्ट ड्राइव करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में आपको और अपडेट करता रहूँगा। लव यू ऑल गाइज, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय।